गोंडा जिले में पुलिस का वो चेहरा जिसका काम नहीं कारनामा बोलता है। दिन के उजाले में जहां गोंडा पुलिस सादी वर्दी में अपने मुखबिरों के सामने बैठकर रात चलती कारियों से वसूली करती है, तो वही रात के अंधेरे में डायल 100 के सिपाही हर आने जाने वाली गाड़ियों से वसूली करते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, उनकी कारतूस जब कैमरे में कैद होती है तो सिपाही झपट्टा मारकर मोबाइल तक छीनने पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मामला बढ़ चुका तो खुद भी शराब के नशे में चूर है और मौके से निकल लेते हैं। दारू पिया है आपने? आपने ड्रिंक किया है? ड्रिंक कर रखा है आपने? हाँ, हमने किसी को दिया। बता बता ना, ड्रिंक कर रखा है? ड्रिंक कर रखा है? हाँ ना, क्या मोबाइल का है? ठीक है, क्या मोबाइल का है? मोबाइल का है? किससे? हमसे। मोबाइल छीनेंगे? हमने किसी को दिया? मोबाइल छीनेंगे? क्या नाम है आपका? किसका मोबाइल छीना? फिर मोबाइल छीना? आप पत्रकार का मोबाइल छीन रहे हैं? गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर? दो है ट्रांसमिन चौकी लकड़ मंडी नवाबगंज थाने के लाल बहादुर सिंह और राजकिशोर तथा वहां के चौकी इंचार्ज लकड़ मंडी महेंद्र प्रताप सिंह को। इसके अतिरिक्त पीआरवी वाहन 883 के चालक कुलवीर सिंह तथा वहां जहां पर इनकी शिकायत की गई थी उसके चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे, इन पांच लोगों को तात्कालिक प्रभाव से अवैध वसूली की शिकायत में निलंबित कर दिया गया है देर रात्रि में, और इस पूरे प्रकरण की जांच अनुगमन से कराई जा रही है। इसमें और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कठोरतम कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी। जिले के पुलिसकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से पुलिसकर्मी अपने को समझ लें कि उनको निष्ठापूर्वक अपना कार्य करना है। किसी प्रकार के अवैध कृत्य में अगर वो संलिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनको किसी ऐसे काम करने की छूट नहीं दी गई है जिससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो, विभाग की छवि।